सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई को मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसके चलते हरियाली तीज के मौके पर आज लिटिल इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने हरे कलर के कपड़ों के साथ साथ भगवान शिव और राधा कृष्ण का स्वरूप भी धारण किया और लोगों को संदेश दिया कि हमें अपने आसपास का वातावरण हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में हरियाली तीज का महोत्सव जो है वो रखा गया था। हरियाली तीज क्योंकि सावन के महीने में होता है और सावन का रंग हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, इसलिए आज का जो थीम रखा गया था वो ग्रीन कलर ही रखा गया था। सभी बच्चे जो है वो ग्रीन कलर के अपने कपड़ों में आए थे और टीचर्स भी ग्रीन कलर की साड़ी या ग्रीन कलर के ही अपने अटायर में आई थी। और चूंकि सावन का महीना जो होता है वो खासतौर से शिव की आराधना का महीना होता है, इसलिए बच्चे इसमें शिव पार्वती भी बन के आए थे और गणेशा भी बन के आए, राधा कृष्ण बन के आए और तमाम तरह की गोपिकाएं भी बन के आई। बच्चों को ये अंदर एक इतना अच्छा सा उल्लास दिखाई दे रहा था सवेरे से, क्योंकि डेली वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते पहनते थोड़े से वो जो है परेशान से हो जाते हैं, तो उनके लिए फ्री डे मिल जाता है इस तरह से करके। तो बच्चे जो है वो सुबह से उनके चेहरे पर इतना उत्साह दिखाई दे रहा था और बच्चे अच्छे से अच्छे ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आए थे और उनको जो हरियाली तीज का महत्व है उसके बारे में भी बताया गया, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, किसकी आराधना की जाती है, इस सब के बारे में उनको अवगत कराया गया। इससे बच्चों के अंदर एक भारतीय संस्कृति और जो संस्कार होते हैं उनसे वो जुड़े रहते हैं और ऐसे पर्व में बच्चे जो है वो बड़े प्रेम से, चाहे हिंदू बच्चा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर तरह का बच्चा जो होता है इन पर्वों में अपने आप की प्रतिभा का दिखाना चाहता है, क्योंकि हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो कुछ करे। तो ये एकता का भी प्रतीक है और अपने प्रकृति के जो बढ़ावा देने का महत्व है वो भी है, क्योंकि इससे बच्चों को एक ये भी मैसेज गया कि हरियाली जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो जगह जगह वृक्षारोपण करें और जो पेड़ पौधे लगे हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचाएँ और कोशिश करें कि अपने घर में अपने गार्जियंस को भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं, ट्रीज की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीज हैं तभी जीवन है। तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को बताएगी। तो इन त्योहारों के माध्यम से एक बच्चों को ज्ञान भी दिया गया और बच्चों के अंदर एक उल्लास भी भरा गया। धन्यवाद।